स्कूल के पास, और हम पता नहीं कैसे, मतलब टाइम काफ़ी लग गया, अभी तक हमारे पहाड़ ख़त्म नहीं हुए, और ऑलमोस्ट अभी 80 किलोमीटर के अभी और बचे हैं, मतलब अभी प्लेन पे आने में 80 किलोमीटर तो होगा अभी, और हमारी हालत सब ख़राब हो चुकी है, जींस वींस सब गंदी हो रही है, गाड़ी के टायर बिल्कुल, मतलब बाइक के टायर बिल्कुल ऐसे गर्म हो रहे हैं, वो वाली बाइक का कैरियर गिरने वाला हो रहा है, सब हिल गया है। तो अभी हम चाय ब्रेक के लिए रुके हैं यहाँ पे, पानी और चाय, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो गई है, जैसे जैसे नीचे उतरते जा रहे हैं, जैसे जैसे नीचे उतरते जा रहे हैं उस हिसाब से गर्मी भी बढ़ती जा रही है, और हालत वालत सब ख़राब हो रही है यार, वो गर्मी में होती है। नहीं, रुमाल उतार के तो बाल काफ़ी ज़्यादा तकड़े हो रहे हैं, तो भी रुमाल नहीं उतार सकते। चलो ठीक है, फिर अब प्लेन पे मिलते हैं सीधा, बाय। तो अब हमारे साथ एक पंगा और हो गया है कि इस वाली बाइक की वो टूट गई हैं, जो इसकी स्पोक्स बाइक्स होती हैं, ये स्पोक्स ये टूट गए दिल्लियाँ, और टायर ऐसे यूं वेव करता हुआ चल रहा था, वो हमने बाद में देखा, इसकी कम से कम 5 से 7 तिल्लियाँ टूट गई हैं, और टाइम हो रहा है 6 बज गए ऑलमोस्ट के 6 ही बज गए 6 बज गए हम, और यहाँ पे हैं अभी हम। वैसे प्लेन तो आ गया है, माउंटेन्स से तो हम निकल चुके हैं, अब देखते हैं कि हम ढूंढेंगे ये कहाँ पे ठीक हो पाएगा, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोग फंस गए पूरे तरीके से, ठीक है, टाइम हो रहा है 7 बज गए हैं, 1 घंटा हो गया हमें फंसे हुए, ठीक है। ये जो है ना, ये चीज़, ये सब उसकी बाइक के, सोनू की बाइक के, ये सोनू की बाइक के स्पोक्स टूट गए, हाँ 8 स्पोक्स टूट गए, जो ये सोनू की बाइक के स्पोक्स हैं वो टूट गए हैं, कम से कम 8 टूटे हैं, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे, ये हम इस टाइम है कीरतपुर चौक पे, तो मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के इनको यहाँ पे छोड़ के दोनों को वहाँ पे गया ढूंढने के लिए, एक साइकिल वाला मिला है और वो कर रहा है ठीक, जुगाड़ करेगा वो भी, जिससे हम दिल्ली तक पहुँच जाएँ, हम कल जाके करेंगे, और सारा सामान हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ है अपना, ये हमने अपना सारा सामान छोड़ा हुआ है, अब हम वेट कर रहे हैं। उसने बोला 2 घंटे लगेंगे, 7 बज रहे हैं, 2 घंटे, 9 बज गए, 9 बजे हम अभी यहीं पे खड़े हैं कीरतपुर, और अभी सिर्फ अभी हमने हिल्स उतरे हैं, ठीक है, और हिल उतरते हुए हमने देखा, ऐसे मैंने ही देखा कि सोनू का टायर यूं चल रहा है बाइक का, पूरा बबल हो रहा था, मतलब बबलिंग यार। तो उसको अब बोला तो देखा स्पोक्स टूटे हुए थे, अब वो गया हुआ है वहाँ पे, खड़ा हुआ है, और हम यहाँ पे सामान के साथ खड़े हैं, क्योंकि उसके पास ही गैरेज है वो, जिसके अंदर ही सामान जा सकता है, तो हम लोग यहाँ पे उसका वेट कर रहे हैं, जितना टाइम भी लगेगा देखते हैं कैसे होता है, विल अपडेट यू सून। ऑलमोस्ट 8:26, और अभी अभी हमारी बाइक्स पूरी प्रॉपर डन हुई हैं, और हम लोग इधर फंसे थे पीछे, जैसे आपने देखा पीछे अभी सीन में, और वहाँ से भैया को हम लेके गए पूरा, भैया हमें यहाँ पे, मैं पूछते पाछते भैया के पास पहुँचा, इन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प करी है, हमारे स्पोक्स चेंज करे हैं, काफ़ी जुगाड़ उगाड़ करके हमें मिले स्पोक्स, वरना हम रात को यहीं पर फंस जाते आज। भैया अपना एड्रेस बताओ, अगर कोई भी आता है यहाँ पे, राजू मेरा नाम है जी, कीरतपुर साहिब में शॉप है मेरी, छोटी सी शॉप है, नहर के किनारे पे है, किसी से भी फ्लाई ओवर के पास पता कर, कॉन्टैक्ट नंबर 94638-21070। और भैया ने हमें बहुत ही बढ़िया एक अच्छे कुलचे खिलाए, जो कि काफी अच्छे थे, कोई बात नहीं, काफी हेल्प की भैया ने। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं कीरतपुर साहिब से हम हो गई ना, काफ़ी देर से खड़ी हुई थी, यहाँ पानी बह रहा है, तो यहाँ पे हवा हवा सब ठंडा है, ये ब्यास नदी है, हमें पानी भी भैया यहीं से पिला रहे थे, काफ़ी साफ़ पानी है और अच्छा मीठा पानी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आरओ का पानी है, काफ़ी बढ़िया पानी है ये, और बिल्कुल ब्लू, वो आपने डे 1 में देखा है, डे 1 में आपने देख ही लिया होगा,
वो बिल्कुल ब्लू पानी वो यही है। हम वापस यहीं पे आके फंस गए। ठीक है, शॉर्ट हो गया। वो तो काफ़ी अच्छे भैया मिल गए हमें जिन्होंने इतनी हेल्प कर दी और साथ में हमको सही कुलचे वगैरह भी खिला दिए खुद से ही। काफ़ी अच्छे कोऑपरेटिव थे वो। पहले मेरे साथ बैठ के गए वो वहाँ तक जहाँ पे बाइक हमारी पहले फंस गई थी, फिर वहाँ से हमने बाइक ले चला चला के पैदल खिसका के यहाँ तक लेके आए। कम से कम 1 किलोमीटर होगा इस साइड से। फिर उसके बाद यहाँ पे लाके उन्होंने काफ़ी खोला, मशक्कत तशक्कत करी, उसके बाद जाके बाइक डन हुई और अब हम लोग निकले हैं 8:30 बजे। तो हमें ऑलमोस्ट या 12 घंटे तो हो ही गए हैं यार। सुबह भी 8 बजे निकले थे, हमें 12 घंटे हो गए हैं मनाली से निकले हुए। एज़ यूजुअल पिछली बार भी हम इतनी लेट ही पहुँचे थे। टाइम लग जाता है यार, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, और रोड ट्रिप पे तो ये सब स्यापे चलते ही रहते हैं। चलो ठीक है, विल सी यू अब जब भी हम रुकेंगे। रोड दिखाने का कोई मतलब नहीं है, वैसी रात हो गई है, GoPro इतना अच्छा नहीं है कि मतलब ये वाला तो नहीं है एटलीस्ट कि रात में सब कुछ इतना बढ़िया दिखा दे। सिया हालत देख रहे हो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। ये हाथ वाथ सब काले हो गए हैं। कितनी देर से हम राइड करे जा रहे हैं, उसके बाद जब वो हुआ था उसके बाद हम एक बार रुके थे बीच में थोड़ा पानी वानी पीने के लिए, और उसके बाद हम कहीं भी नहीं रुके। अब हम सीधा यहाँ पर रुके हैं मन्नत पे, खाना वाना खाने के लिए भूख लग रही है और टाइम हो रहा है 1 मिनट। साढ़े बारह बज रहे हैं, मतलब हम निकले थे 8:30 बजे और 12:30 बज रहे हैं। काफ़ी देर तक चलाया है, बहुत देर हुई है, और एक तो अंधेरा था और जो एक स्ट्रेच है बीच में खरड़ से लेके अंबाला तक का, उसमें इतने गड्ढे बहुत ज़्यादा गड्ढे थे उसके अंदर। पर ठीक है, थोड़ा थोड़ा देख के कर लिया। अब हम यहाँ पे हैं कुरुक्षेत्र में, यहाँ से अब हम सीधा ट्राई करेंगे दिल्ली तक का कि हम दिल्ली तक पहुँच जाएँ, लेकिन वो काफ़ी टफ होगा, तो देखते हैं कैसे होता है। सी यू। टाइम हो रहा है 1:30 और हमने भी खाना वाना ख़त्म करा है और हम निकल रहे हैं, बाकी देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। वैसे गूगल पे तो आ रहा है कि 3:15 आ रहा था थोड़ी देर पहले, 4 बजे तक पहुँचेंगे हम, 4:15 तक। देखते हैं बाकी कितने बजे तक पहुँचते हैं। सिया सुबह के 8 बजे, काफ़ी टाइम लग गया। चलो कोई बात नहीं, आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। मैं बाकी पूरा ट्राई करूँगा, मैं इसको अच्छे से अच्छा एडिट करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सही लगे आपको। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, क्योंकि वो ज़रूरी है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना, मैप मार्कर, बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ओके देन, सी या।